ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वेलकम यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो भी ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कीजिए और फॉलो कीजिए और अपनी डेली टैरो रीडिंग देखिए। लेट्स बिगिन, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू भगवान की तरफ से। सो वो एनर्जी चेक करते हैं और भगवान की ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो फॉर दिस वीक। ओके, नारद मुनि, ओ माय गॉड, नारद मुनि है यहाँ पर, देखते हैं नारद मुनि जी का क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आई ऑफर सैल्यूटेशंस टू नारद द सेज ऑफ गॉड्स द सन ऑफ ब्रह्मा, ही रिजॉयसेस इन प्लेइंग द वीणा विच एकम्पनीज हिज कॉन्स्टेंट सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम। वाओ, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं दैट इज़ म्यूजिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, अटैचमेंट टू सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो हफ्ता है आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग नेम, भगवान का नाम लेना, उनको याद करना, ठीक है, फॉर नो रीज़न। भगवान को याद करने का कोई वक्त नहीं होता और कोई वजह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ वो असल भक्ति होती है। आप नारद मुनि को देख सकते हैं, उनके पास एक वीणा है हाथ में ब्यूटीफुल, और वो अपने ही वर्ल्ड में है, हर पल वो भगवान का नाम याद करते रहते हैं, ठीक है। तो एक हमें वो यूनिवर्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक हमें एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है और कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे हमें म्यूज़िक दिखाई दे रहा है। तो ये जो हफ्ता है आपके लिए इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग होती है जब आप भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तो वो एक अलग ब्लेसिंग होती है, ठीक है। दैट मीन्स आपने अपने आप को उसमें पूरा खो दिया है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी और ब्लेसिंग्स जो भी है कुछ के लिए हो सकता है, दैट यू आर लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक या नॉलेज ले रहे हैं कोई, तो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, भक्ति की राह पर चल रहे हैं वो भी अच्छा है, और एक अटैचमेंट, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बोला ना, वो एक अलग ही प्रकार की ब्लेसिंग्स बाहर निकल के आ रही हैं। तो आई थिंक आपको भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए, जाप करना चाहिए, और अगर हम वैसे भी ओवरऑल बात करें इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं इट्स अबाउट सरेंडर, फॉर नो रीज़न। सो ये जो हफ्ता है अगर आप भगवान का नाम चैंट करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। चलिए, नॉट ओनली दिस वीक, आगे पीछे भी, ठीक है। चलिए अब लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करें, 4-4 एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, हो सकता है 444-444 आप देखते हो। इसका क्या मतलब है 444 का, कि दैट आपके भगवान आपके साथ है, ठीक है ना, वो आपके हर पल आपके साथ हैं, जो भगवान का नाम भी ले रहे हैं दैट मीन्स गॉड इज़ विद यू, क्योंकि उनकी लाइक रज़ा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आप उनको याद नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मैरिड लाइफ है चाहे वो कुछ भी, आप थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद हो सकता है देयर इज़ समबडी, कोई है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई है जो आपकी तरफ देख रहा है लेकिन आप थोड़ा सा दिल चुरा रहे हैं, वो चीज़ वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड ये जो पार्टनर हैं आपके, आई थिंक हो सकता है कि देयर इज़ अ बिट्रेयल, ठीक है, अब इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया हो या एकदम से एंडिंग हो गई थी, तो उस चीज़ वजह से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, कोई आपके साथ आना चाहता है, कोई समबडी वांट्स टू बी विद यू, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या वो हो, लेकिन आप थोड़ा सा उदास हैं या इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा होपलेस है, और ये पर्सन भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा फील करते हैं, ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है ये आपके बेटर हाफ हो,
ठीक है, तो एक बिट्रेयल वाली, मतलब जैसे कि एकदम से कुछ आप लोगों के बीच में ख़राब हो गया हो या ऑफ हो गया हो कुछ ना। अब इस पर्सन का देखिए, ये जो पर्सन है इनके मन में हमेशा आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं। वाटर साइन हो सकता है डील कर रहे हैं जिनके साथ, और आपके आपके मन में भी ये होता है कि दैट यू हैव फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट लाइक, आप ओपन अप नहीं हो रहे, कोई और है इस सिचुएशन में, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, या कुछ और चल रहा है, या कोई और बात चल रही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। तो आउटकम की बात करें, इट्स अबाउट मूविंग आउट और मूविंग फॉरवर्ड, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जगलिंग जगलिंग वाली, ठीक है, भगवान की तरफ छोड़ देना, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, सब कुछ ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, जगल कर रहा है कोई, तो स्टिल वही वाली एनर्जी स्कॉर्पियो, ठीक है। कोई न्यू एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और न्यू एनर्जी आए भी कैसे, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, आप इमोशन इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप मिस करते हैं, देयर इज़ समबडी लाइक यू मिस समबडी, और यू वॉन्ट टू बी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही स्टक है, स्लो है, नो मूवमेंट एट ऑल, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। स्कॉर्पियो के लिए है अनलेस एंड अंटिल, ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि आपको अब भगवान का नाम ही सेव कर सकता है इस सिचुएशन में जो भी आप लोग फेस कर रहे हैं। चलिए अब करियर की बात करेंगे। करियर वाइज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग। आप मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं जहाँ पे हैं शायद, या सोच रहे हैं कि आगे और कैसे बढ़ाएं काम को, या कैसे आगे की तरफ बढ़ें। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जस्टिस मिलेगी, ठीक है, फैसला आपके हक में होगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। वी आर गेटिंग इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सिंबल, सो इट्स अबाउट दैट। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, मनी कैन कम के फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत आपके मतलब हक में हो सकता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप सरेंडर करें, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करें विद द डिवाइन एनर्जी, जिनमें भी आप ट्रस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? तो मैंने आपको बताया ना कि इस हफ्ते कहीं से मनी, या कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं से कोई मनी, बिग अमाउंट इन्वेस्टमेंट, या जितना आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, पे रेस कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? आई थिंक फ्री योर सेल्फ, डोंट बी जेलस, डोंट बी क्लोज ऑफ, थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। और अब आप कहेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में आप बोलते हो कि फ्री योर सेल्फ, इट्स अबाउट योर ओन इमोशंस। बहुत ज़्यादा कैद रखते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, ठीक है। और आई थिंक सो तभी शायद हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको मुझे ऐसा लगता है उम्मीद ही नहीं है कि कुछ ठीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, और बैठे 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 बस आप सिर्फ, अगर बैठे हैं, अगर परेशान ही हो रहे हैं, तो परेशान होने की बजाय आप अपना एक कनेक्शन बनाइए उस एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, ठीक है ना, वहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये रीडिंग मैच की हो, रेजोनेट की हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।